ऐसा जाए, मेरे को बोला जाए कि तेरी वजह से लड़ाई हो रही है, तू इतना सपोर्ट कर रही है, इस वजह से वो इतना वो कर पा रही है, तो मेरे को वो चीज़ बार बार नहीं लेनी बढ़िया है। बहुत सारे लोग बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चंस कर रहे हैं सपना दीदी को लेकर, और कंसर्न भी दिखा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जो कि जो बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस कर रहे हैं, और जो बैड कमेंट्स कर रहे हैं उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हर जगह गंदगी है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो वहाँ हो, हर जगह। तो हम उन्हीं के बारे में आज कुछ बात बताने वाले हैं आप। सबका एहसान मानती हूँ कि मेरे को मम्मी और पापा ने यहाँ पे रखा, मेरे को इतना बड़ा कर दिया। अंशु का वो वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसमें अंशु ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं सपना को लेके कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो अंशु का यहाँ थोड़ा और भी बात कर लेती हूँ। तो अंशु का कहना है अपने जो जहाँ रहती थे मम्मी पापा के पास, उनके पास से चली आई अपने रियल मम्मी पापा के पास। वही उनका कहना था कि मेरी वजह से बार बार हो रहा था कि घर में लड़ाई हो रहा है, क्योंकि मैं सपना भाभी का सपोर्ट कर रही थी। और यहीं पे जो नीतू बिष्ट हैं वो भी सपना के लिए बोल रही हैं कि प्लीज़ गलत कमेंट ना करें, क्योंकि सपना बहुत स्ट्रगल कर रही है और सपना काफ़ी परेशान है। और सपना का देखा गया आज ब्लॉग भी नहीं आया, तो सपना का जैसे ही अपडेट मिलेगा आपको ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो देखिए और अपनी राय दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अटैचमेंट भाभी से भी है, मैं उनको भी प्यार करती हूँ, क्योंकि भैया उनके जाने के बाद मैंने उनकी भी हालत देखी है, उनको रोते हुए और बाकी सारे